वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम ट्रेन करने वाले हैं बैक। तो जो बैक में सबसे पहली एक्सरसाइज रहेगी पुलअप्स। तो पुलअप्स को कैसे करना है वो आप देखना। तो पुलअप स्किप मत करना, जैसे जो नहीं कर पाते हैं वो भी करने की कोशिश करनी। जिस दिन आपका एक रैप निकल जाए उस दिन आपके 10 रैप भी निकल जाएंगे। तो कोशिश तो ज़रूर करना है। और जो लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते तो एटलीस्ट वो लटक के होल्ड करके रखें, मैक्सिमम कितने टाइम तक होल्ड कर पाते हैं। इस तरह धीरे धीरे आप करना करने शुरू हो जाओगे। तो पुलअप्स में एक्चुअली में कैसे करना है वो आप देखिए। ये आपको पूरा ऊपर तक जाना है और पूरा नीचे तक आना है। ये नहीं कि बीच बीच में आप ढूंढ रहे हो, लाइक पूरा नीचे पूरा ऊपर, पूरा नीचे पूरा ऊपर। तो हम बैक की सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हम कर रहे हैं डंबल रो। तो डंबल तो घर पर होता नहीं है तो हम करेंगे ब्रिक से। चलिए वर्कआउट शुरू करते हैं। पोस्चर देख लेना आप अच्छे से, उसको थोड़ा सा नीचे तोड़ो। ये आप किसी बेंच या फिर कोई भी चीज़ का सपोर्ट भी लेके कर सकते हो इस एक्सरसाइज को। बस आपको ये इस चीज़ पर ध्यान देना है, लेट्स को पूरा स्क्वीज करना है, देन पूरा रिलैक्स करना है, पूरा स्क्वीज पूरा रिलैक्स। Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. तो हम थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हम नॉर्मली इस एक्सरसाइज को आप स्किप मत करना क्योंकि इसमें हम नॉर्मली लोअर बैक ट्रेन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम डेडलिफ्ट करते हैं उसी तरह से आपको करना है, मतलब आपको ये चीज़ समझना कि आपको ये पीछे आ देना है, ये मसल्स को अच्छे से स्क्वीज करना है। Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Yeah, your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling. तो अब हम शुरू करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज जो कि एक्चुअली हम बोलते हैं बारबल रो या बेंड ओवर रो। तो वो तो हमारे पास है नहीं है तो हम ये तो करने वाले हैं। देखिए इसमें भी आप पोस्चर देखना अच्छे से। On a drug, you got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. I could look at you all day, watch the way them hips sway, love your body so I. तो हम बैक की पांचवी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो इसमें आप देखिए इसमें पोस्चर आपको क्या रखना है। इसमें आपको मेनली लेट्स ट्रेन होंगे तो आपको जाओगे ये पूरा आपको लेके जाना है और ऊपर आते टाइम आपको ये हेड के ऊपर रखना है, ज़्यादा आगे लेके नहीं आना। फिर वो एक्सरसाइज चेस्ट पे आएगी तो आपको ये जाओगे तो आपको ये देख रहे हो आप ये लेट्स आपके अच्छे से ट्रेन होंगे। तो इसको आप ये था हमारा बैक का वर्कआउट। तो नॉर्मली सभी लोग सोचते हैं कि घर पर बैक ट्रेन नहीं हो सकती है, तो आपने देखा होगा कि जो भी वर्कआउट कराया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप ट्राई करोगे तो आपको ऑब्वियसली आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे बैक में। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।